स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने होप पेरिशिया कोविड 19 पेड हॉस्पिटल पर पहुंचकर वहां के कोरोना वॉरियर्स को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया तथा उनकी हौसला अफजाई किया। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह एवं आईएमए के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी केवीएन पांड्यन ने कहा कि कोरोना पीड़ितों का इलाज कर रहे चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को गुलाब का फूल देकर उनका हौसला बढ़ाया गया है, जिससे कि वह आगे भी इसी तरह कार्य करते रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांड्यन ने कहा, जो हम लोगों ने काम किया, मैं खुद सारे एडमिशन मैंने खुद किए और मुझे ऐसा लग रहा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल थिंग कि हम लोग इसको रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेनाशिया एक महीने से डेढ़ महीने से दो महीने से बंद पड़ा हुआ था, चीज़ें काम नहीं कर रही थी। ऑक्सीजन, आपको मैं छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ, सब लोग काम कर रहे थे। आपको याद है कि हमारा दूसरे दिन सारे पेशेंट छींक की कंप्लेंट कर रहे थे, सब छींक रहे थे। तो पहले मुझे लगा कि ये कोरोना के कारण है, फिर मुझे लगा कि इतने सारे कर रहे हैं और एक दो स्टाफ भी छींक रहे थे। तो आप लोगों में से कईयों को मालूम नहीं होगा, एसी हम लोगों ने दो महीने बाद आज बीमारी हम लोगों ने देखी नहीं थी, केवल लिटरेचर पढ़ा था तीन चार महीने से, उसको डायरेक्टली डील करना, स्टाफ का मोरल बूस्ट करना, ये सब करते करते हम लोग इस स्टेज पे आ गए कि आज मैं राजीव गुप्ता को फोन कर देता हूँ, इस पेशेंट का ये ट्रीटमेंट कर देना, वो ट्रीटमेंट कर देता है, सुबह मुझे पेशेंट एकदम अच्छे से मिलता है। तो ये सब आप लोगों की मेहनत की वजह से हुआ, आप लोगों की समझ की वजह से हुआ और आगे आने के जज्बे से हुआ। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो हमारा दूसरा हॉस्पिटल है सिटी हॉस्पिटल, कोरोना देख के भाग लेते हैं। तो मैं उनको वही बताता हूँ कि वहाँ पे स्टाफ कर रहे हैं और इतने अच्छे से कर रहे हैं, इतने अच्छे से पेशेंट वहाँ से ठीक होके जा रहे हैं। हम लोगों ने लगभग 60 पेशेंट डिस्चार्ज कर दिए, जिसमें से कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनके बचने की चांसेस नहीं थे। प्रकाश तिवारी कल डिस्चार्ज हुए हैं, उनकी क्या हालत थी आप सब लोग जानते हैं। दिलीप कुमार सिकारिया, वो अभी एडमिट है, वो डिस्चार्ज नहीं चाहते, वो कहते मैं दो दिन बाद और जाऊँगा। ये सब आप लोगों की मेहनत की वजह से हुआ है। हॉस्पिटल की सारी टीम को मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इस शहर में, मुझे 31 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया था और सर के अंदर काम करते हुए बहुत अच्छा इंस्पिरेशन और एनर्जी से, और मेरा ड्रीम था सर के साथ काम करने का जब मैंने ज्वाइन किया था उत्तर प्रदेश कार्डन। तो सर से एक बार मुलाकात हुई थी तो उस समय सोच रहा था कभी सर के अंदर भी काम करना, उसका मौका मिलेगा, लेकिन वो ट्रू हुआ यहाँ के और कोरोना काल में ट्रू हुआ। और बहुत अच्छा, हम फिर कुछ सीखने को, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा जो आपके हॉस्पिटल का स्टाफ है, जो इसकी मैनेजमेंट है, जो इसके हेड है, उनको तह दिल से आज इंडिपेंडेंस डे पे आज जैसे हम लोग फ्लैग को एक सल्यूट करके आए हैं, तो मेरा इनके गहराइयों से आपको चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जो यहाँ पे गोरखपुर में स्टार्ट किया है उसका आज हमें एक एडवांटेज मिल रहा है। जब भी आपकी टीम में सर ने मिलकर इसको स्टार्ट किया होगा, आज 15-20 दिन बाद और भी प्राइवेट सेक्टर, आप लोग का कॉन्फिडेंस और आप लोग का वर्किंग देख के रेडी हो रहे हैं कि हम भी कोविड पेशेंट को ट्रीट करें। ये अपने आप में आप लोगों की एक जो इन दिनों में आपकी उपलब्धि है उसको दिखा, इतना आसान नहीं है कोरोना पेशेंट को मैनेज करना, लेकिन अगर साइंटिफिकली किया जाए और जो जो प्रोसीजर अभी इवॉल्व हुए हैं उसको देखते हुए किया जाए इतना मुश्किल है। जैसे डीआरडी की टीम से जब भी हमारी वार्ता होती है तो वो बोलते हैं कि हम लोग सबसे सेफ, क्यों? क्योंकि हम पता है कि हम कोरोना के बीच में, और हम हर प्रोटोकॉल को बहुत सीरियसली लेते हैं, और जो बाहर है बंदा वो उसको सीरियसली लेता है जो नॉर्मल हॉस्पिटल में, इसलिए उधर इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा है इधर का। आप इसी मेहनत से आप इस समय इंसानियत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। मैं इसलिए इसको फील कर पाता हूँ कि मैं इसको बोल रहा हूँ।
अपनी फैमिली छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के जिस सेवा भाव से आप इसको कार्य कर रहे हैं, ये गोरखपुर के लिए, हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसको आने वाले टाइम में जब दोबारा एनालाइज किया जाएगा तब आपको पक्का मार्क किया जाएगा कि हाँ, इन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट रहा है और ये है भी। और अभी नेक्स्ट टू मंथ्स बहुत क्रूशियल है, जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है उसको हमें अगर अच्छे से मैनेज करना है और जो डेथ रेट है उसको मिनिमम रखना है तो आप सबका सहयोग चाहिए। बिल्कुल हिम्मत से काम करिए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी आपको सपोर्ट चाहिए पूरा मिलेगा। और एक लास्ट वर्ड में कह के समाप्त करूँगा कि प्लीज़ नॉलेज शेयरिंग जरूर करें। आज हम लोग जो भी आए हैं उसको ये सबसे डिस्कशन हो रही थी कि आपको हम लोग अपने जो फैकल्टीज हैं गवर्नमेंट की उनके साथ भी इंटरेक्शन करें, ताकि जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है आप उनके साथ शेयर करें। और आपकी टीम के जो जितने भी मेम्बर हैं एक रोस्टर बना के हम लोग अपने हॉस्पिटल भी विजिट कराएंगे, ताकि वहाँ की भी जो स्टाफ नर्सेज है, डॉक्टर्स है, वो आपके एक्सपीरियंस से सीख सके, आप उनके एक्सपीरियंस से सीख सकें। यही लिंकेज हम DRD के साथ भी करेंगे, क्योंकि वो लोग भी बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स को देखते हैं। आप में से कोई अगर उनके ICU देखना चाहता है, एक बच्चे को ऑपरेट करना चाहता है, तो उसका भी हमारे पास पूरा खाका तैयार है, तो आप लोग जा सकते हैं। और ये नॉलेज शेयरिंग से मुझे लगता है कि हम लोग कोविड को अच्छे से महसूस कर सकते हैं। परिवार के रूप से काम करते हुए सभी साथियों को मैं नमन करता हूँ। जो अभी बगीचे जिले से 17 दिन पहले हम लोग यहीं से आपके साथी शुरुआत की, हम लोग थोड़ा नर्वस थे कि पहले प्राइवेट आपको शुरू हो रहा, कैसे शुरू होगा, इतने जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। आज आपको करके दिखा चुके हैं कि आपने ऐसे मिसाल आपके काबिल कायम किए, इसे देख के बहुत लोग प्रेरणा रहे, केवल गोरखपुर का नहीं आसपास और अनेक जनपद में आपसे सीखने के लिए बहुत मिलता है। वो कहते थे यार आपको इतने अच्छा चला, अच्छा खासा हिस्सा है, आपका रेपुटेशन अपने आप बना लिए, आप लोग सभी बनाए, आपने सभी लोग अपने खून पसीना मेहनत से ये खड़ा किए हैं, आपके लिए मैं नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ। और आज जो आप दे रहे हैं ये आप देश के इससे बड़ा सेवा कहीं नहीं, ताकि जो फौज जवान देश बचाने के लिए कैसे वो अपने जान कुर्बानी दे रहा है, उतने के बराबर हम लोग भी अपने परिवार छोड़ के जो जंग लड़ने के लिए हम भी आगे बढ़े। और हम लोग का भारत का मेडिकल सिस्टम ऐसे ही है, 80% सिस्टम तो वैसे ही प्राइवेट हैंड में है, 20% गवर्नमेंट करती है। सिस्टम भी ऐसी बनी हुई है, खासतौर पर जो गरीब मरीज़ है उन्हीं लोगों का हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट का है, और बाकी थोड़ा वेला आपको किसका फैसिलिटी चाहिए, वो सुविधा चाहिए, वो थोड़ा पेड फैसिलिटी में आ जाता है, उसी के हिसाब से एक्सपर्टाइज भी मिलता है। और ये प्राइवेट प्लेयर तब तक आगे नहीं आएंगे, IMA जैसे एजेंसी, नर्सिंग होम एसोसिएशन जैसे लोग आगे नहीं आएंगे, हम अकेले किसी भी जंग लड़ना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारा बेड भी लिमिटेड है, लोग भी लिमिटेड है, साधन संसाधन भी लिमिटेड है। तब तक ये 80% 80% लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, हम बचाना असंभव होता है। वो किस पेस में बढ़ती जा रही है आप भी देख रहे हैं, पर डे 200-300 केसेस, हम इसलिए तो जांचें भी ज़्यादा बढ़ा दी, और अभी तक फिलहाल वैक्सीनेशन कोई टेल टेस्टेड वैक्सीनेशन आने में और समय लगेगा, कम से कम 2-3 महीने लगेगा, लास्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन ट्रायल में चल रहा है, और नवंबर तक उम्मीद है कुछ ना कुछ हम लोग का हाथ में होगा। बट भारत जैसे बड़े देश में 130 के ऊपर का आज़ादी में वैक्सीनेशन लगने में भी 1 साल लग जाता है, और वो तो फिर होते होते फुल टेक है। बट आपने एक ढांचा खड़ा किया, अभी हम लोग के सामने बहुत अच्छा दवाएं आ गई पहले से, या जो भी रेमडेसिविर लें, जो भी दवाएं लें, पहले से अभी किसी सीरियस पेशेंट का, मॉडरेट सीरियस पेशेंट का बचाना थोड़ा आसान हो गया, बट उसका इम्पॉर्टेंस रहे आपको ऊपर ही जाता है। जो भी मशीन आ गए, जो भी दवाएं आ गए, बट तब तक मैन पावर नहीं है, तब तक टैलेंट नहीं है, तब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं जुड़ता है, हम किसी को नहीं बचा सकते। अब एम्स में भी कोई डॉक्टर है जाकर के पेशेंट का अपनी इच्छा से प्यार से जाके ट्रीट नहीं करता है, इतने भी साधन संसाधन कोई मतलब नहीं रहता, वो आपका अंदर है, आपके बीच में है, आपका जो आत्मा है वो पुनीत आत्मा है, मैं प्रणाम करता हूँ उसको। तो आगे भी एक पुण्य का काम है, उसे जारी रखिएगा, और भी बहुत लोग हम बचा सकते हैं मिल के, और इसको जारी रखिएगा। हमने जो वैसे CDO साहब बताए थे आप लोग काफ़ी सेफ, बट हमेशा याद रखिए प्रोटोकॉल था कि हम लोग के सामने वाले कोई पेशेंट है वो डील कर रहे हैं, वो तो कोविड है, उन्हीं के हिसाब से हम लोग कैसे प्रोटेक्शन कराना है, फिर वहाँ का जो क्लीनिंग प्रोटोकॉल कैसे करना है उसका हमेशा ध्यान में रखते हुए करें, ताकि ये पूरा एक चेन है, इसमें एक तो भी
होता तो वो दूसरे का अफेक्ट करता है। अब इसलिए तो आपका जो सफाई करने वाले हैं उनका मैं प्रणाम करता हूँ, ताकि उन्हीं के भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो मेडिकल इन्फेक्शन रोकने में। उसके ऊपर जो आपके कितने मिनियल स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, उसके ऊपर डॉक्टर साहब, सभी लोग ऐसे टीम आप काम करेंगे तब एक दूसरे के बचा पाएंगे और बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। इसलिए जो अपने बचाव का जो प्रोटोकॉल लेना है, पीपी किट पहनना है, ग्लव्स पहनना है, जरूर थोड़ा फिटिंग होता है। तो हम भी तो पिछले 5-6 महीने में तो मास्क, बिना मास्क तो निकलता हूँ नहीं, आदत बन गया। ऐसे कपड़ा जैसे आदत बनवाइए, जो मास्क और न्यूसेंस मत कौन करिए, ये ऐसे कपड़ा कैसे जो घर से बाहर निकलते हो कपड़ा पहनने के बाद फिर वापस आके तक हम दूसरा कपड़ा चेंज करते हैं, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बॉडी होना चाहिए। जो आपका ग्लव्स, मास्क, जो भी आपका प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो पहनते हैं, डोंट टेक इट एस ए न्यूसेंस, डोंट टेक इट एस ए कोई बोझ है आपको ऊपर, कोई ये चीज़ है, आपको पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ स्टाइल कराना होगा। बिकॉज ये लंबी लड़ाई, ये कम से कम 6 महीने 1 साल के पहले ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली, तब हम लाइफ स्टाइल में आ जाएगा, फिर आराम से प्रोटेक्शन रहेंगे। यही आपका फोल है प्रीति शर्मा कंप्लेंट और उन चीजों को लेकर दीदी सर के लिए सर हाउसकीपिंग के सर ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यहाँ पहल किए हैं 15-20 दिन पहले, और पेनेशिया हॉस्पिटल का जो टेक ओवर करके उन लोग शुरू किए हैं, बहुत सारे पॉजिटिव मरीज़ को संभाला और सही करके घर भी भेजा, L2 L3 का बहुत सीरियस पेशेंट सही होकर घर चले गए। उनका उत्साह बढ़ाने के लिए हम आए हैं, उनका स्टाफ को मैं धन्यवाद दिया हूँ, और आज स्वतंत्रता दिवस का अवसर पर उन लोगों के साथ ही हम लोग मना रहे हैं, ताकि हम कोरोना वॉरियर है, सब साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे।